के आटे से बनता है ये अभी मैं खाने वाली हूँ इसको। कोई बात चल के पता नहीं। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव जो कि है भरदा। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कौन सा गांव है, तो यदि आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखे होगे तो पता तो चल ही गया होगा कि मेरा गांव है भरदा। और हम लोग अब निकलने वाले हैं किसके घर की। और ये एक छोटी सी लड़की आप लोग देख सकते हो कौन है छोटी बच्ची छोटी सी जो बदमाश लड़की है ये एकदम सुंदर लग रही है। तो एकदम सुंदर दिख रही है तो एकदम सुंदर दिख रही है क्या सुंदर जैसी दिख रही है अच्छी दिख रही हो सुंदर नहीं दिख रही है अच्छी दिख रही हो सुंदर ही तो दिख तो ये अपनी ही तारीफ सुनने के लिए बैठे रहती है। और मेरी बात रहती तेरा पाउडर लगा रहे नाक में सोनी अच्छा तैयार करती है ना। अच्छा सोनी बुआ तैयार की है बहुत सुंदर दिख रही है मेरी मिष्टी। अब मेरी मेकअप आर्टिस्ट बहन तैयार करेगी तो अच्छी दिखेगी है ना रे। उसका लाइनर देख सकते हो आप लोग कितना डिजाइनर तो स्टाइल रहता है ना इसका कि मैं क्या है अपना ही मुंह देख के खुश हो रही है। ये नहीं है कर इसका मैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग भरदा। भरदा क्या करने जा रहे हैं हमारे गांव का खेत जिसमें धान लगा हुआ है और ये एज यूजुअल गाय लोग हैं और ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है ये लड़की मेरे को। चश्मा दिख रहा है दिखाना जरा कितना बड़ा सा चश्मा लगाई हो किसका लगाई हो जरा मुंह तो दिखा दो मेकअप वाली लड़की। परिया के ऊपर ही ये गॉगल अच्छा दिखता है ना नहीं ये ऊपर पहुंच चुके हैं मेरी नानी के घर हरदा में। ये उनका घर है और ये मेरे नानी नाना लोग हैं। ये मेरी बड़ी नानी है मेरे मामा लोग हैं। अभी सबका खाना पीना यहाँ पर एकदम ही सबसे छोटी बच्ची यहाँ की आई चुटकी आपका साइज थोड़ा ज्यादा छोटा है दीदी मैं आपके गोदी में कैसे समाऊंगी। क्या हो गया दुख दुख भरी दास्तां तुम्हारी बताओ क्या परेशानी के छोटी बच्ची के साथ खेलो जाओ नेटवर्क तो रहेगा भी तो तुमको मोबाइल मिलेगा नहीं। तुम सोचना भी मत कि मैं तुमको मोबाइल दूंगी गेम खेलने के लिए। ओके यूट्यूब के लिए भी नेट चाहिए रहता है बेटे। बाहर का नज़ारा और अभी हम चलते हैं छत की ओर से। इतना ज़्यादा बोरियत लग रहा है ना ऐसा लग रहा है कि मैं घर चली जाऊं क्योंकि मेरे कज़िन लोग भी नहीं आए हैं। और यहाँ छत देखते हैं अपन और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर ना बहुत सारा कुछ कुछ लगा हुआ है ये देख सकते हो आप। यहाँ पर ना पपीता लगा हुआ है ठीक है। ये सब क्या है ना मेरे को भी नहीं पता है। सेम ही है कुछ कुछ तो सेम ही है ठीक है। हाँ ये सेम ही है। ऊपर चलते हैं हम। यहाँ से पूरा भरदा गांव तो नहीं दिख पाएगा लेकिन हाँ भरदा गांव दिख जाएगा। ये दूसरे का छत है शायद। ये पक्की घर है उधर भी पक्की पक्की घर है। हम भी अभी पक्की घर में ही खड़े हुए हैं। पहले पक्का नहीं था इसको अभी एक दो साल हुआ है शायद। ये हम लोगों की गाड़ियाँ हैं ठीक है। और मुझे ना लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है। मेरे कोई भी भाई बहन लोग नहीं आए हैं एक मैं ही आ गई हूँ। गोवर्धन पूजा का वीडियो लूँगी ऐसा करके। तो गांव का मज़ा लेने के लिए आई थी बट मुझे ना मेरे को सज़ा मिल गया टाइप ऑफ हो रहा है। मैं छोटा सा ब्लॉग करने के नाम से ही आई थी यहाँ पर और मेरे को ना सीरियसली बहुत ज़्यादा नींद आने लग गया मतलब बोर लग रहा है मेरे को एक्चुअल में। और मैं जब आ रही थी तो पोटिया साइड वगैरह है ना उधर गोवर्धन क्या बोलते सॉरी गौरी गौरा जी का जो वो है ना विसर्जन करने के लिए निकाला जाता है। तो अब लोग राउत लोग जा रहे हैं वहाँ पर तो
वो देखते हैं निकाला जा रहा है यहाँ पर राउंड। लग रहा है कि मैं ना घर चली जाऊं। तो अब हम भी नीचे चले। हाथ पकड़ के चलो, गिर जाओगे। चप्पल पहन के आना चाहिए ना। चलिए हम फोटो खिंचाएंगे। तो हम दोनों को बोर लग रहा है, तो हम दोनों क्या करेंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? तो हम लोग सो रहे हैं। गुड नाइट। बाय। तो कर बाय फ्रेंड्स। हम लोग सो रहे हैं अभी, उठते हैं थोड़ी देर बाद, तो हम लोग चाय और पूड़ी खाएंगे, ठीक है? और हम लोग फार्म जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैं क्या करूँगी फार्म पे? फार्म जाएंगे। तू अकेले रहना मुर्गी लोग के साथ, ऐश करना। आप हम लोग तो घर चले जाएंगे। नहीं, मैं भी आप लोग के चोर है। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी छोटी दादी के घर। मेरा मोटू। मैं तो छोटी दादी के घर जाऊंगी। बाय बाय फ्रेंड। अब हम लोग जाने वाले कौन से गांव? छोटी गांव जाने के लिए शायद हम लोगों को इस पुल से पार। ये वाला जो पुल है, यहाँ पर हम लोग पहले आके खेलते रहते थे, हम सब भाई बहन लोग। हाँ, तू तो पैदा ही नहीं हुई थी रे। खुद को तेरा तो कोई अता पता ही नहीं था। हाँ, हम लोग डुब डुब के नहाते थे। डुब डुब के पूरे नहीं डूबते थे हम लोग, इतने भी डुबंतु नहीं है, डूब जाते बड़ा। छोटी गांव और यहां का घर देखना आप लोग। गांव का बहुत ही सुंदर सा घर है और बहुत ही सुंदर सी रंगोली भी बनी हुई है यहां पर। तो मैं ये वाला घर दिखाती हूं। मैं तो यहां पर पहली बार आई हूं और यहां पर ना नींबू फला हुआ है, बहुत सारा नींबू फला हुआ है, बहुत सारी रंगोलियाँ बनाई गई है। कितना सारा नींबू फला हुआ है यहाँ पर, मतलब पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट काफ़ी सारे नींबू ऐसे फले हुए हैं, बहुत सारे हैं यार। और बहुत ही अच्छा सा घर है, बहुत ही सुंदर सा घर लग रहा है। गांव में आके एक अलग ही खुशी मिलता है ना, तो वो है। और ये देख सकते हो रंगोली भी बनाया गया है यहाँ पर। ये वाली रंगोली बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, ठीक है? तो इस टाइप का रंगोली बनाया गया है। और कुछ कुछ ये जैसा मिर्ची और कुछ कुछ पपीता ये सब लगाया गया है यहाँ पर। सा वो कद्दू का है, उधर मुनगा है, बहुत सारा चीज़। और गुलाब भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है वहाँ पर। मेरे को कोचई कुमड़ा, कोचई जो बोलते हैं ना, वो दिख गया मेरे को यहाँ पर। तो चलो चलते हैं हम अभी अंदर। कोई बात नहीं। बड़ी कितना साल की हो गई है? पता नहीं, नहीं जानस। कितने साल हो गई नानी होली? बड़े हो गए 85 साल की हो गई हमारी जो दादी है। देख रहे हो 10 साल के बड़े हो गए नहीं तब तो नब्बे। अपने सामने एक ये वाली दादी, अपने बगल में ये वाली नानी का भी। कितना नाम हो गया बोले नानी आप? 81 साल। मेरा 81। 81 मतलब 81 ना? हाँ, 81। 81 क्यों हो? और ये नानी 85 बोले? नहीं, 85 81। बस सुंदर सुंदर लोग इधर। मैं वीडियो ले रही थी नानी, देखो यहाँ पर लगा है। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? आइसा आइसा रोटी खा रहे हैं सब लोग।
चिटिर चिटिर चल रहा है सब लोग का। हाँ डरे घर घर के खा खा के बोरी आ गई। ये हम लोगों को नाश्ते में मिला है अरसा नमकीन और सेव। मम्मी मेरे को सजेस्ट कर रही है, अच्छा मीठा भी है। मम्मी मेरे को सजेस्ट करी कि मैं अरसा खाऊं जो मैं खाती नहीं हूँ। तो आधा तो खाएंगे क्या? मस्त है। अभी थोड़ी ही देर में ना खत्म हो जाने वाला है। अरसा चावल के आटे से बनता है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कुछ कुछ चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनमें से एक है ये अरसा। तो ये अभी मैं खाने वाली हूँ इसको। अच्छा लग रहा, टेस्टी है। मीठे में ये अच्छा लग रहा, बाकी फिर नमकीन सेव। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव का पठौहा देखने के लिए। छत्तीसगढ़ी में इसको पठौहा बोला जाता है। और ये दो नमूने मेरे घर के अतलंगी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या करो तुम दोनों? अच्छा चलो ठीक है। क्या चीज है ये? नहीं पता। नहीं यार मुझे नहीं पता था, इसलिए तो पूछ रही हूँ क्या है। तो उधर चलते हैं हम। ये है, इधर है पठौहा, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ओके, कितना ज्यादा अंधेरा है इधर। इसमें उसको बोलते हैं कोठी जहाँ धान रखते हैं। मेरे को दिख नहीं रहा यार, मेरा टॉर्च क्यों नहीं जल रहा है? आ जाओ बताना मेरे को ना। इसको बोलते हैं कोठी, इसमें धान रखा जाता है। अच्छा, जैसे अब किसान का धान हुआ हाँ। तो 12 महीने उसको खाना है तो इकट्ठा करके यही रखा जाता है। अच्छा, ये मिट्टी का बनाया जाता है क्योंकि खराब नहीं होता इससे। अच्छा, अच्छा। आप इसको छत में रखोगे ना तो खराब हो जाएगा, लेकिन मिट्टी एक ऐसा चीज है धान खराब नहीं होता इससे। ओ, और ये सब क्या है? ये सब किसान वो स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको। अच्छा, खेत में जैसे पानी हाँ, है स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर हाँ, वही है। और ये आरा है, इससे हाँ, लकड़ी काटते थे पहले, मशीन नहीं होता था तो हाथ से काटते थे। मैंने आरी सुना था लेकिन आरा मैंने आज देखा, आरी का बाप आरा। अच्छा, ये क्या यूज नहीं होता उतना तो पड़ा हुआ है। अच्छा, जो अतिरिक्त चीजें हैं वो पठौहा में ही रखा जाता है। ये पूरा बोरा वगैरह है, इसी में धान रखते होंगे हाँ। आप लोगों को छोटी गांव का थोड़ा सा नजारा दिख जाएगा, देख सकते हो वहाँ पर तालाब भी है, तो तालाब भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। नहीं यार मैं सीरियसली दिखा रही हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में जाएगा ये। क्या करे तुम्हारा आ गया होगा वो। और ये है अपना अछोटी गाँव। तो अछोटी गाँव से कौन कौन हो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं अछोटी गाँव पहली बार आई हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ। पठौहा देखी मैं बचपन में, मैं शायद तिरगा गाँव के पठौहा वगैरह देखी थी, उसके बाद तो गाँव आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। बट ये गोवर्धन पूजा और ये शिवरात्रि वगैरह में ही होता है और यहाँ के भी राउत लोग जा रहे हैं। बट वो लोग यदि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को तो दिखाऊँगी। ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है, देख सकते हो राउत लोग राउत नाचा करते हैं आज के दिन। बट वो लोग शायद कहीं से डांस वांस करके जा रहे हैं।